रहीम साहब ने जो लिंक शेयर किया वो गलत किया है, काइंडली सेकंड लिंक जो मैंने आपको ईमेल की है वो शेयर करें। काइंडली ग्रुप में जो लड़के आ रहे हैं वो प्रेजेंटिंग ना करें ताकि जो है रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो। काइंडली जो है प्रेजेंटिंग ना करें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ताकि जो है मेरे पास जो है मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो है आप जैसे प्रेजेंटिंग स्टार्ट करते हो तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रुक जाती है, फिर जो है रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं होती, तो काइंडली प्रेजेंटिंग ना करें। रहीन आवाज आ रही है आपको?
सा वेट करें, वर्क करते हैं, ठीक है, ताकि लड़के जो है ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो है हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कील बादशाह, आसिम कमाल, मोहम्मद हमाद, सऊद फटक, इसहाक अफरीदी, एहसान अल्लाह, आप लोगों ने जो है अभी तक अपने आईडी में जो है अपना नेम जो है सही तरीके से चेंज नहीं किया, काइंडली इसको चेंज कर लें, ठीक है। एहसान अल्लाह, आपने उस तरीके से चेंज नहीं किया जिस तरह हमने आपको वीडियो में बताया था, जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, उस तरीके से काइंडली अपना नेम वगैरह जो है चेंज करें, ठीक है। आयाज जी, आपकी आईडी चेंज है। आसिम कमाल, काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कर दें। टॉपिक की तरफ आते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम जो है लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ टिपिकल लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क्स इज शोन इन फिगर बिलो। सच अ हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास जो है टिपिकल लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है, और ये जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर। इनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास है वियर है, अंडर स्लुइसेस है, डिवाइड वॉल है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, फिश लैडर है, कैनाल हेड रेगुलेटर है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हमारे पास इसमें गाइड बैंक्स है, मार्जिनल बंस है, स्पर्स है, ग्रॉइंस है, एटसेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, साथ ही साथ इनके अंदर शटर्स, गेट्स हैं और सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स, ये जो है कंपोनेंट जो है इंस्टॉल हुए। इन सारे कंपोनेंट्स को जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो है टिपिकल लेआउट है, ठीक है। रिवर यहाँ से इस डायरेक्शन से जो है आपके पास फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को शोर बहुत है, मैंने पंखा लगाया, गर्मी है, चले पंखा मैं बंद करता हूँ, वेट करे थोड़ा, क्या स्लो करता हूँ।
अभी क्लियर है? काइंडली चेक करें जरा, आवाज अभी सही आ रही है? ओके अच्छा, मेरी स्क्रीन जो है आपको शो हो रही है? ओके ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल लेआउट ऑफ अ डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। ये जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है रिवर वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। काइंडली जो है मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो है आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे पास जो है फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो काइंडली जो है प्रेजेंटिंग ना किया करें। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास रिवर वाटर जो है फ्लो कर रहा है अक्रॉस द रिवर। जो है हमने जो है एक डाइवर्जन नेटवर्क जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इनमें हमारे पास जो मेन मेन कंपोनेंट्स है, गाइड बैंक्स है, मार्जिनल बंद्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है केनाल हेड रेगुलेटर जो है इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये हमारे पास वियर है, ये हमारे पास फिश लेडर, दिस इज कॉल्ड डिवाइड वॉल। और यहाँ पर हमारे पास अंडर स्लुइसेज या स्कवरिंग स्लुइसेज जो है वो इंस्टॉल होते हैं। मैं अच्छा स्क्रीन जो है मैं छोटा इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो है अगर कोई प्रेजेंट स्टार्ट करे तो मुझे नजर आए, ठीक है ना। तो जो है अभी जो है मैं पूरा आपको मैंने वो जहीन काइंडली अपना माइक जो है बंद कर लें। अच्छा, मैं जो है मैं फुल इसलिए नहीं कर सकता वाजिद इकबाल, ठीक है, और ये जो मोहम्मद अयाज, ठीक है, ताकि जो है कुछ लड़के रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं फिर जो है रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं हो रही होती, ठीक है। सो अभी जो है मैंने छोटा इसलिए रखा है ताकि जो है रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो, ठीक है। और दूसरा जो है आप जो है आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए तो वो आप खोल के जो है देख सकते हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ तो आगे देख सकते हो आप। क्लियर है? शहीन सिर्फ आपको नहीं आ रही, और किसी को आवाज जो नहीं आ रही हो? जहीन के अलावा अगर किसी बंदे को मेरी आवाज ना आ रही हो तो काइंडली चैट में जो है मैसेज कर दें। जहीन जो है दूसरे लड़कों को मेरी आवाज ठीक जा रही है, काइंडली जो है आप अपना जो है लिंक लीव कर ले, ठीक है, लीव कर ले, दोबारा इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि आवाज जो है ठीक आ रही है, काइंडली जो है आप जो है या बाहर निकले या आपका सिग्नल वीक है, ठीक है, या जो है आप लीव करें, उसको दोबारा जो है ज्वाइन कर लें। ओके थैंक यू। जो है अब दोबारा जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन को फुल कर लेता हूं, लेकिन काइंडली जो है आप प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट ना करें, ठीक है, इस कंडीशन पे, ताकि जो है अगर आप जैसे प्रेजेंटिंग स्टार्ट करो तो फिर जो है रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक टिपिकल लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन से जो है वाटर जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गाइड बैंक्स हैं, मार्जिनल बंद्स हैं, जिस तरह ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास अंडर स्लुइसेज या स्कवरिंग स्लुइसेज होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम जो है सिल्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये जो है टिपिकल लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। आगे जो है इनके जो जितने जितने कंपोनेंट्स हैं, उनके फंक्शंस वगैरह, उनको आप वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है वियर। वियर क्या है? ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। इट इज अ बैरियर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। इट एम्स टू रेज द वाटर लेवल इन ऑर्डर टू फीड द कैनाल। वियर जो है हमारे पास जो है बैरियर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग वाटर लेवल इन द रिवर, ठीक है, रिवर में वाटर लेवल को राइज करने के लिए, ताकि जो है जो साइड पे जो हमारा केनाल है, ताकि उसके अंदर जो है हम इजीली पानी को जो है डाइवर्ट कर सके, ठीक है।
So weir is a barrier which is constructed for the purpose of raising water level in order to feed the off-taking canal. अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है अंडर स्लुइसेस है. अंडर स्लुइसेस हमारे पास जो है द अंडर स्लुइसेस आर द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वेयर और बैराज. दीज ओपनिंग्स आर प्रोवाइडेड विद एडजस्टेबल गेट्स. अंडर स्लुइसेस जो है हमारे पास जो है इनको प्रोवाइड किया जाता है एट द बेस ऑफ द वेयर और बैराज, और इनकी ओपनिंग्स जो है उनके अंदर उनकी ओपनिंग्स जो है जो ओपनिंग्स है उनको एडजस्टेबल गेट्स के जो ओपनिंग्स हैं इनमें जो है एडजस्टेबल गेट्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं. नॉर्मली द गेट्स आर केप्ट क्लोज. आम कंडीशन में या आम हालात में जो है इन गेट्स को जो है क्लोज रखा जाता है. द क्रस्ट ऑफ द अंडर स्लुइसेस योर अंडर पोर्शन ऑफ द स्लुइसेस ऑफ द वेयर इज केप्ट एट अ लोअर लेवल 1 to 1.5 meter देन द क्रस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वेयर. हमारे पास जो अंडर स्लुइसेस है इनका जो क्रस्ट लेवल है इनको 1 to 1.5 meter जो है नीचे रखा जाता है हमारे पास जो प्रॉपर वियर है उसके क्रस्ट लेवल से. द सस्पेंडेड सिल्ट गोज ऑन डिपॉजिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर. ठीक है, हमारे पास जो है रिवर वाटर जो है जो यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है, वो जो है ये हमारे पास जो है ऑफ टेकिंग किनाल है. वो वाटर जो है यहाँ पर आके जो है स्टोर होता है. ठीक है, जब स्टोर होता है तो जो है पानी जो है जब स्टेबल स्टिल कड़ा होता है तो उसके अंदर जो सिल्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे यहाँ पर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. ये हमारे पास जो स्कवरिंग स्लुइसेस है या अंडर स्लुइसेस है ये जो है यहाँ पर किनाल हेड रेगुलेटर के साथ ही जो है बनाया जाता है. तो पानी जब यहाँ पर जो है कड़ा होता है स्टोर होता है तो उसके अंदर जो सिल्ट जरात वगैरह होते हैं नीचे जो है बैठ जाते हैं. When the silt deposition becomes appreciable, the gates are open and the deposited silt is loosened with an agitator mounting on a boat. ठीक है, जब हमारे पास जो है सिल्ट की मिकदार जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर यानी जब है तो थोड़े वक्त से वक्त के बाद जो है महीने दो महीने बाद तीन महीने बाद या छह महीने बाद या साल के बाद, ठीक है, डिपेंड करता है रिवर के कंडीशन में कि उसके अंदर जो है कितना सिल्ट होता है. ठीक है, सो सो अच्छा वाजिद इकबाल आवाज आपको आ रही है? अच्छा, तो कुछ वक्त के बाद जो है यहाँ पर जो है सेल्ट डिपोजिशन जो है वो ज्यादा हो जाती है. जब सेल्ट डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है तो हम जो है यहाँ पर जो है एक बोर्ड के थ्रू जिसके साथ जो है एक बड़ी सी जो है लकड़ी जो है लगी होती है जिसको जिसके थ्रू हम इसको एजिटेट करते हैं. मीन्स पक्तो को कहते हैं अगर लड़के पके हुए हो ना अगर वो चिकम दे अगर चिकम सेल्ट थे अगर वो सारा मिक्स थी तो वो सारा मिक्स थी सही शो नो ब्यास होगा. The muddy water flows towards the downstream through the scouring sluices. The gates are then closed. चिकल अदल तक यूँ का था सिल डिपोजिशन ज्यादा थी यो किश्ते सारा चिकम ने अगर लड़के दी तड़ले भी अगर बार पत्रु पानी दी सके अगर इजिटेट की इजिटेट नहीं चाहिए कि अगर लड़के वो ही स्टीरी की अगर पत वजह अगर चिकम सिल ते अगर वो की मिक्स थी न तो ऊपर चिकम ने अगर सारा मड़ी थी और चिकम ना स्कवरिंग स्लुइसेस दी चिकम दे ता अंडर स्लुइसेस होम वही दी ता गेट्स चिकम दे ओपन थी ओपन की जब गेट्स ओपन की नो चिकम दलता वाटर स्टोरेज वाटर दे ठीक है अगर प्रेशर सर चिकम दे डाउनस्ट्रीम साइड तलाट सी और चिकम जान सर सेल दे अगर हम यो सी तो दलता के जिसमें हमारा सेल डे पोजीशन या हम सर से सी क्लियर सी चिकल सेल डे पोजी चिकल सेल डे पोजीशन सर क्लियर सी ना इन्हें पसु की चिकम दा गेट्स या हम सर क्लोज की. The main functions of under sluices are कुछ मेन फंक्शन है अंडर स्लुइसेस के. टू मेंटेन अ वेल डिफाइंड डीप चैनल अप्रोचिंग द कैनाल हेड रेगुलेटर. मींस हमारे पास जो है एक वेल डिफाइंड चैनल को जो है यानी क्लियर चैनल को जो है वो डिफाइन करें. ठीक है, मींस कि यहाँ पर आपके पास जो सिल्ट वगैरह है उन यानी कि क्लियर वाटर जो है वो आपके जो कैनाल हेड रेगुलेटर है उसको जो है प्रोवाइड करें.
नेक्स्ट है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्वी इनटू द कैनाल, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर जो वाटर है रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है उनके अंदर जो सिल्ट है, सो उस सिल्ट को वो सिल्ट जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, अंडर स्लूसेस के सामने, ठीक है, और जो है जो सिल्ट फ्री वाटर है तो वो जो है कैनाल हेड रेगुलेटर के अंदर जो है चला जाता है. नेक्स्ट है टू हेल्प कवरिंग एंड ऑफ द सिल्ट डिपॉजिटेड ओवर द अंडर स्लूसेस फ्लोर एंड रिमूविंग टुवर्ड द डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है. साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है आपके पास जो सिल्ट डिपॉजिट होता है, यानी यहाँ पर जो अंडर स्लूसेस पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो है बेस बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो सिल्ट डिपॉजिटेड होता है उनको जो है वो डाउनस्ट्रीम साइड पे लेकर चले जाते हैं बाय एजिटेटिंग द वाटर एंड ओपनिंग द गेट्स. नेक्स्ट है टू हेल्प पासिंग द लो फ्लड्स विदाउट ड्रॉपिंग द शटर्स ऑफ द वियर, ठीक है. जब हमारे पास लो फ्लड्स आते हैं, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर वियर के ऊपर जितने आपके पास जो क्रश शटर लगे होते हैं उनको जो है ड्रॉप नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं कि हम जो है अंडर स्लूसेस के गेट्स को जो है ओपन कर लेते हैं, तो इस रिजल्ट जो है आपके पास जो डिपॉजिटेड सिल्ट है वो भी चली जाती है, ठीक है, और जो फ्लड वाटर है तो वो भी जो है यहाँ से मूव कर जा रहे हैं. सो आपको जो है यहाँ पर जो है आपके जो क्रश शटर है उनको जो है आपको मूव नहीं करना पड़ता. अच्छा, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है द डिवाइड वॉल. डिवाइड वॉल क्या है? द डिवाइड वॉल इज अ लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स इन द वियर और बैराज. इट मे बी कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन मेसनरी और सीमेंट कंक्रीट, ठीक है. ये हमारे पास जो स्ट्रेट वॉल है इसको कहते हैं डिवाइड वॉल, ठीक है. ये हमारे पास जो है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक परपेंडिकुलर टू द वियर, ठीक है, और ये जो है नॉर्मली कंक्रीट से या स्टोन मेसनरी से जो है बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ऑन द अपस्ट्रीम साइड द वॉल इज एक्सटेंडेड जस्ट टू कवर द कैनाल हेड रेगुलेटर एंड ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड इट इज एक्सटेंडेड अप टू द लॉन्चिंग एप्रन, ठीक है. जो अपस्ट्रीम साइड है इसको जो है एक्सटेंड किया जाता है ताकि ये जो है कैनाल हेड रेगुलेटर के फेस को जो है कवर कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो डाउनस्ट्रीम साइड है यहाँ पर जो है जो लॉन्चिंग एप्रन है वहां तक जो है इसको जो है एक्सटेंड किया जाता है. मेन फंक्शन ऑफ अ डिवाइड वॉल आर इट सेपरेट्स द अंडर स्लूसेस विद लोअर क्रस्ट लेवल फ्रॉम द वियर प्रॉपर विद हायर क्रस्ट लेवल, ठीक है. अंडर डिवाइड वॉल क्या करता है? ये सेपरेट करता है हमारा जो प्रॉपर वियर है उसको सेपरेट करता है हमारे अंडर स्लूसेस से, ठीक है. अंडर स्लूसेस का क्रस्ट लेवल जो है नीचे होता है जबकि वियर का क्रस्ट लेवल ऊपर होता है, ये इन दोनों को जो है सेपरेट करता है. नेक्स्ट है इट रेजिस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट ऑफ द वियर और बैराज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द इंपाउंडिंग वाटर, ठीक है. साथ ही साथ ये जो है वियर के ओवरटर्निंग इफेक्ट को भी मिनिमाइज करता है. जो वाटर जो है जो स्टोर होता है यहाँ पर उसकी वजह से हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है प्रेशर लगता है जो इसको वाटर करने की कोशिश करता है, ठीक है. सो ये जो डिवाइड वॉल है तो ये उसको भी जो है हमारे लिए रेजिस्ट करता है. एज अ रिजल्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ रहता है अगेंस्ट द ओवरटर्निंग. लास्ट फंक्शन है इट हेल्प्स टू कीप क्रॉस करंट इफ एनी अवे फ्रॉम द रिवर, ठीक है. हमारे पास जो क्रॉस करंट है इनको एडीज करंट भी बोलते हैं. क्रॉस करंट जो है लगतो के या दवे के रिवर के जिकम ऊपर आवाने गोल गोल पता है दोषी, ठीक छो, ये तो वही क्रॉस करंट, ठीक छो. नोचिकला जब हमारे पास जो है एडीज करंट जो क्रॉस करंट जो है प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जब पानी हमारे साथ इस तरह घूमता है गोल गोल घूमता है तो ये जब जो है इसके साथ स्ट्राइक करता है तो ये इसको जो है खत्म कर देता है, ठीक है. सो ये जो है जो हमारा जो डिवाइड वॉल है ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है पानी के क्रॉस करंट से या एडीज करंट से. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है फिश लैडर. फिश लैडर क्या है? द फिश लैडर इज प्रोवाइडेड जस्ट बाय द साइड ऑफ द डिवाइड वॉल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेज एज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेज, ठीक है. हमारे पास जो ये जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं फिश लैडर, ठीक है. ये हमारे चूंकि हमारे पास जो रिवर है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेस है
तो इनकी मूवमेंट जो है बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये जो है अपनी मूवमेंट की वजह से जो है जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इनकी जब हम वियर जब हम डाइवर्जन हेडवर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। तो इनको फ्री मूवमेंट देने के लिए हम जो स्ट्रक्चर डिवेलप कर कंस्ट्रक्ट करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर, ठीक है, या कंपोनेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं इनकी फ्री मूवमेंट के लिए, फिशेस की फ्री मूवमेंट के लिए, उस कंपोनेंट को कहते हैं फिश लैडर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस इन द रिवर, द नेचर ऑफ द फिश वेरीज फ्रॉम टाइप टू टाइप, बट इन जनरल द टेंडेंसी ऑफ फिश इज टू मूव फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड इन विंटर्स एंड फ्रॉम डाउनस्ट्रीम साइड टू अपस्ट्रीम साइड इन मूनसून। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर देयर मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, हमारे पास जब इस ऑलरेडी मैंने कहा कि हमारे पास रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेज है, जब हम जो है डाइवर्जन हेडवर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इनकी मूवमेंट जो है टूट जाती है, ठीक है। और ये जो है इनकी मूवमेंट जो है इनकी जो है अफजाइश के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इनकी मूवमेंट के लिए जो हम क्या करते हैं फिश लेडर जो है प्रोवाइड करते हैं। इट इज स्ट्रक्चर बाय विच द फ्लो एनर्जी कैन बी डिसिपेटेड। माइक जो है सारे ऑफ करा के, ठीक है, माइक जो है ऑन ना किया करें। इट इज अ स्ट्रक्चर बाय विच द फ्लो एनर्जी कैन बी डिसिपेटेड इन सच अ मैनर एज टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो एट सफिशिएंटली लो वेलोसिटी नॉट एक्सीडिंग 3 to 3.5 meters per second, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली रिवर में जो वाटर फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम फिश लेडर के जरिए क्या करते हैं, फिश लेडर के जरिए हम उस वेलोसिटी को जो है ब्रेक करते हैं, उसकी वाटर की एनर्जी को जो है ब्रेक करते हैं। जब वाटर जो है इसके साथ स्ट्राइक होता है तो इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है तकरीबन 3 to 3.5 meter per second, जो कि आइडियल वेलोसिटी है फिशेस की मूवमेंट के लिए। इन दी फिश लैडर दी फेबल वॉल आर कंस्ट्रक्टेड इन अ जिगजैग मैनर सो दैट दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद इन द लैडर डज नॉट एक्सीड 3 meter to 3 meter per second, ठीक है। ये जो है प्लान देख लें आप जरा फिश लैडर का, कि ये इन इन वॉल्स को कहते हैं फेबल वॉल्स, ठीक है। ये जो है इस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि ये हमारे पास जो वेलोसिटी जिगजैग मैनर में, ताकि ये जो हमारे पास जो रिवर की वेलोसिटी है ये उसको जो है ब्रेक कर सकें। जब रिवर वाटर यहाँ से आता है और इसके साथ स्ट्राइक करता है तो इनकी एनर्जी यहाँ पे जो है डिसिपेट हो जाती है, एज अ रिजल्ट उनकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है थोड़ी सी। आगे जब ये यहाँ पर जो है स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर और एनर्जी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी वेलोसिटी जो है तकरीबन 3 meter per second तक आ जाती है। और जिस तरह का मैंने कहा कि ये जो है आइडियल वेलोसिटी है फिशेस की मूवमेंट के लिए। द वेट लेंथ एंड हाइट ऑफ द फिश लेडर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिवर एंड द टाइप ऑफ वियर और बेराज। हमारे पास जो फिश लेडर है उसकी वेट, उसकी हाइट, उसकी लेंथ जो है डिपेंड करती है रिवर के नेचर के ऊपर, ठीक है, उसके टाइप के ऊपर, और साथ ही साथ जो है हमारा जो वियर है या बेराज है उसकी टाइप के ऊपर, ठीक है। तो जितना आपके पास जो है रिवर बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके या इसकी जो वेट लेंथ हाइट है ये भी जो है ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, हिदायतुल्ला का क्वेश्चन है सर, अगर इस पर प्रैक्टिकल वर्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के साथ रिलेटेड है। हिदायतुल्ला, पहले आप थ्योरी समझ ले, ठीक है, फिर जो है प्रैक्टिकल वर्क भी कर ले, ठीक है। आप अब नवीदुर्रहमान, आप प्रेजेंटिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हो यार, ऑफ करो इसको काइंडली। मैंने आपको कई बार कहा कि आप जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें, जब आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट करते हो तो जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं होती मेरी वाली, ठीक है। वाजिद अली जो है 3 meter per second स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो फिशेज की मूवमेंट के लिए जितनी वेलोसिटी कम होगी वाटर की वेलोसिटी रिवर्स के अंदर, तो उतना अच्छा है, ठीक है।
ये जो है जस्ट जो है थ्योरेटिकल जो है लिखी गई है ये वैल्यूज। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कंपोनेंट हो है वो है केनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द केनाल टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर एंड इज नोन एज केनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, केनाल हेड रेगुलेटर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं केनाल हेड के ऊपर इन ऑर्डर टू रेगुलेट दी फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, फिगर में देख लें, ठीक है, लेआउट में ये जो है हमारे पास जो है ये है हमारे पास केनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, इसके थ्रू जो है हम पानी को जो है रेगुलेट करते हैं इस ऑफ टेकिंग केनाल। मीन्स कि हमें जितना पानी चाहिए होता है उतना जो है हम जो है बाद जो है हम गेट्स को जो है क्लोज कर लेते हैं। केनाल हेड रेगुलेटर गेट्स इंस्टॉल किए उसके थ्रू जो है हम पानी को जो है रेगुलेट करते हैं। नबीदुर रहमान आवाज जो है बाकी लड़कों को आ रही है, आप जो है थोड़ा सा अपना नेट चेक कर लें। और लड़कों को मेरी आवाज आ रही है? ओके यस सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ठीक है, मेरी आवाज जो है क्लियर है, तो काइंडली जो है नवीदुर रहमान, ठीक है, आप जो है अपना माइक जो है नेट चेक कर लें। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो केनाल हेड रेगुलेटर क्या है? ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं केनाल हेड के ऊपर। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेट टू रेगुलेट द वाटर फ्लो इनटू द केनाल। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पियर्स व्हिच डिवाइड द टोटल वेथ ऑफ द केनाल इनटू नंबर ऑफ स्पैन व्हिच आर नोन एज बेस। ठीक है, ये जो केनाल हेड रेगुलेटर ये कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ पियर्स में। ठीक है, और जो पियर्स है, ठीक है, और जिनके थ्रू इसको हम ये जो हमारे पास जो केनाल हेड रेगुलेटर है ये कंसिस्ट होता है पियर्स में। ठीक है, और इनके दरमियान जो दो पियर के दरमियान जो रास्ता होता है उसको कहते हैं बेस। The piers consist of number tiers on which the adjustable gates are placed और इन पियर्स के ऊपर जो है इन दो पियर्स के दरमियान जो फासला होता है उनके दरमियान जो है गेट्स जो है वो इंस्टॉल होती हैं। The gates are operated from the top by suitable mechanical device
और जो गेट से इनको जो है ऊपर से जो है ऑपरेट किया जाता है बाय सूटेबल मैकेनिकल डिवाइस. अ प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ पियर्स फॉर द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग द गेट. ठीक है, टॉप के ऊपर जो है यहाँ पर जो टॉप है इसका वहां पर जो है ऑपरेशन के लिए जो है मैकेनिकल डिवाइस दिया जाता है. गेट्स के ऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है. ठीक है, नीचे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेड कंक्रीट बेड डाला जाता है, उसके ऊपर जो है पियर जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके ऊपर जो है दोबारा एक प्लेटफॉर्म जो है इंस्टॉल किया जाता है और उसके साथ जो है मैकेनिकल डिवाइस की ऑपरेशन की मैकेनिकल डिवाइस प्रोवाइड किए जाते हैं गेट्स की ऑपरेशन के लिए. ठीक है, जिनके थ्रू वाटर को रेगुलेट किया जाता है और कैनाल के अंदर. उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर है. फर्स्ट जो फंक्शन है इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंटरिंग द कैनाल. जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये जो है पानी के सप्लाई को जो है रेगुलेट करता है कैनाल के अंदर. यानी कैनाल के अंदर आप कितना पानी जो है आप चाहते हो, ठीक है, उसको जो है उनको उसको जो है आप गेट्स के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो. ठीक है, ज्यादा पानी चाहिए होता है तो आप गेट्स को ज्यादा खोल देते हो, कम पानी चाहिए होता है तो आप गेट्स को कम खोलते हो. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल. ये जो है एंट्री ऑफ सिल्ट को भी जो है कंट्रोल करता है. ठीक है, जो कैनाल हेड रेगुलेटर है उसका जो क्रस्ट लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो जो रिजल्ट जब वाटर वहां पर आके जो है जब गेट्स को क्लोज होती हैं तो वो पानी जो है वहां पर जो है जब कड़ा होता है, ठीक है, तो सिल्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है. एज ए रिजल्ट जो क्लियर वाटर है सरफेस वाटर है वो जो है जब आप गेट्स खोलते हो तो क्लियर वाटर जो है आपके कैनाल के अंदर जो है एंटर होता है. इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल. चूंकि इनके अंदर जो है गेट्स इंस्टॉल होती है तो जब रिवर के अंदर जो है जब फ्लड आता है तो इन गेट्स को जो है क्लोज कर दिया जाता है. गेट जब क्लोज हो जाते हैं तो एज ए रिजल्ट जो है आपके पास जो फ्लड वाटर है तो वो कैनाल के अंदर जो आपका कैनाल है उसके अंदर जो है दाखिल नहीं होता. सो इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल. नेक्स्ट है द वाटर फ्रॉम द अंडर स्लुइसेस पॉकेट इज मेड टू एंटर द रेगुलेटर बेस सो एज टू पास द फुल सप्लाई डिस्चार्ज इनटू द कैनाल. द मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज गेटेड ओपनिंग्स कॉल्ड हेड स्लुइसेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड क्रस्ट लेवल ऑफ द रेगुलेटर. ठीक है, हमारे पास जो है इसको जो है इस तरह डिजाइन किया, रेगुलेटर बेस को इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि फुल सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो कैनाल के अंदर हो. ठीक है, इनके आप जब गेट्स फुल खोलते हो तो फुल सप्लाई जो है आपके पास होनी चाहिए स्टोरेज वाटर की. ठीक है, और इनका जो जो डिफरेंस है पॉन्ड लेवल का और क्रस्ट लेवल का, रेगुलेटर जो क्रस्ट लेवल ऑफ द रेगुलेटर है और पॉन्ड लेवल है और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको कहते हैं हेड स्लुइसेस. नेक्स्ट है द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय कीपिंग द क्रस्ट ऑफ हेड रेगुलेटर बाय अबाउट 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर हायर देन द क्रस्ट ऑफ द अंडर स्लुइसेस. जिस तरह शुरू मैंने कहा कि हमारे पास जो कैनाल हेड रेगुलेटर का क्रस्ट लेवल है उसको जो है ऊपर रखा जाए तो वो तकरीबन 1.2 टू 1.5 मीटर जो है ऊपर रखा जाता है हमारे पास जो अंडर स्लुइसेस का क्रस्ट लेवल है उससे, ताकि हमारे पास जो सिल्ट सिल्ट है वो कैनाल के अंदर जो है इंटर ना हो सके. इफ अ सिल्ट एक्सक्लूडर इज प्रोवाइडेड द रेगुलेटर क्रस्ट इज फर्दर रेज्ड बाय अबाउट 0.6 टू 0.7 मीटर. सिल्ट एक्सक्लूडर जो है अगर वो प्रोवाइड किया जाए तो उसके लिए जो है जो रेगुलेटर क्रस्ट है उसको फर्दर जो है रेज किया जाता है 0.6 टू 0.7 मीटर. ठीक है, ये जो है अलाइनमेंट ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर है. मींस के हमारे पास जो है ये रिवर है. ठीक है, रिवर में जो है पानी जो है यहाँ से जो है फ्लो कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो है हम प्रॉपर वियर बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस रिजल्ट यहाँ पर जो हमारे पास वाटर स्टोर होता है. ठीक है, जब स्टोर होते हैं तो वो यहाँ पर इस तरफ जो है हमारा जो कैनाल है यहाँ पर जो है ये डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो क्रस्ट लेवल है इस कैनाल का, ठीक है, वो जो है हम ऊपर रखते हैं. ठीक है,
ताकि हमारे पास जो यहाँ पर जो जब जब पानी स्टोर होता है तो उसके अंदर जो सिल्ट है ताकि वो हमारे पास इस ऑफटेकिंग केनाल के अंदर जो है इंटर ना हो सके, ठीक है। और यहाँ पर जो सिल्ट जमा होता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक सिस्टम बनाया होता, एक कंपोनेंट जो है कंस्ट्रक्ट किया होता है या इंस्टॉल किया होता है, जिसको कहते हैं अंडर स्लुइसेस या स्कवरिंग स्लुइसेस, ठीक है। तो जब सिल्ट ज्यादा जो है यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो है इस अंडर स्लुइसेस या स्कवरिंग स्लुइसेस के अंदर जो है गेट्स इंस्टॉल होती है, तो उन गेट्स को जो है ओपन कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है उस लकड़ी के साथ जो सिल्ट है उसको एजिटेट किया जाता है ताकि जो है वो पानी के साथ मिल सके। जब पानी के साथ वो मिल जाए तो पानी का कलर जो है मड़ी हो जाता है, और जब आप गेट्स क्लोज कर दे तो पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम साइड पे यहाँ पर आ जाता है। तो रिजल्ट यहाँ पर जो सिल्ट है वो भी अपने साथ जो है यहाँ पर ले आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिपॉजिटेड सेल है वो दूसरी साइड पे चला जाता है और ये जगह आपके पास जो है साफ हो जाती है, ठीक है। सो ये जो है एक कुछ कंपोनेंट जो है आप ये हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाकी कंपोनेंट जो है हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। अच्छा हिदायतुल्ला, बहुत अच्छा है कि आपने देखे हुए, आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछें। मानुल्ला काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, ठीक है, कमेंट्स ना करें। जहीन खान, वियर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो वाटर है रिवर में, ठीक है, वो जो है तो उसकी जो है हम पॉन्डिंग कर सकें, ठीक है, यानी कि वाटर को हम स्टोर कर सकें। अंडर स्लुइसेस जो है उनका फंक्शन ये है कि आपके पास जो वाटर जब आप स्टोर करते हो, ठीक है, तो वाटर जब आप स्टोर करते हो नो पक्तों के बाद तो एम जकल वो तो स्टोर की नागा उधरी, ठीक शो अगर बंद से वाटर जोड़ के वियर वाटर जोड़ के नो बाल तक दासर स्टॉप शी नो उबो रेवल राइस शी उबो दर सरोदरी की चु उबो दरी की नारे चिकम सेल्ट है शगा दा आगा चिकम ने या खबर दी या नूर से दी आगा चिकम ने लान दिकीनी, ठीक है। चागा लान दिकीनी नो चागा चिकम दे आगा जेन खबरी मुफकुल पाड़ी का नवाले जवाब वक्त सारा चिकल आगा डिपॉजिट की गई नागा डेर ज्याद शी नो आगे दा पारा चिकम कंपोनेंट दे इंस्टॉल करे दे आगे ता वही अंडर स्लेसिस आगे पत्रू बाने चिकम दे दी आगा सेल्ट चिकम दे रेगुलेट की द वियर बेल फंक्शन दे और द अंडर स्लेसिस बेल फंक्शन दे। अच्छा मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है सर, ये सिल्ट तो दूसरी साइड में भी मीन जिधर वियर है। मोहम्मद बिलाल आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं, काइंडली दोबारा पूछे। वाजिद अली स्लुइसिस जो है, हाँ स्लुइसिस के साथ जो स्लुइसिस के अंदर जो है गेट्स जो है इंस्टॉल होती है, ठीक है, जिनके थ्रू जो है सिल्ट को रिमूव किया जाता है। अब्दुल जलील, केनाल हेड रेगुलेटर जो है हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, पुख्तों की बदर तक एक्सप्लेन कम छे दे के छे कम ने मुसरा पियर सी ठीक शो आगे बाने छे कम ने गेट्स इंस्टॉल ही और आगे पत्रू बाने मुंगा सको केनाल तरफ का छे कम ने वाटर रेगुलेट को रेगुलेट कोल मीन छे कम ने जो सुमरा उबस्ता पा कारी कम ये ज्याद कोल अगस्ता पा लास की वाले साल का तासरा दा गेट्स छे कम कमांड ने गता उस तारी, ठीक शो का गेट्स तासु ज्याद कोला हो कहीं नो ज्याद उबबा केनाल तजी का कम कोलो कहीं कम है बाजी, ठीक शो नो दिस इज द केनाल हेड रेगुलेटर और केनाल हेड रेगुलेटर चेक हमने केनाल हेड बाने चेक हमने इंस्टॉल की। अच्छा हिदायतुल्ला का क्वेश्चन है एकदम सेंड से फुल हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है फ्री करने के लिए। हिदायतुल्ला ये कभी भी ड्रेव है डायरेक्ट सेंड से जो है फुल नहीं होता, ठीक है। रिवर वाटर नॉर्मली जो है वो क्लियर होता है, वो इतना जो है अपने साथ जो है सिल्ट
सैंड नहीं लेकर जाता ताकि या सिल्ट कि वो एकदम से उसको जो है फुल कर सके। अच्छा मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है, सर सिल्ट वियर के साइड में भी सेटल होता है सिर्फ फ्लुइसिस के साथ तो नहीं सेटल होता, तो फिर वियर के साइड से कैसे रिमूव कर दें? उसी वही बात मैंने की ना कि जो है हम जब जो है जब हमने जो है सिल्ट रिमूव करना था, जब इनफ सिल्ट जो है हमारे साथ स्टोर हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो केनाल हेड रेगुलेटर है उसके गेट्स जो है हम उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और अंडर स्लुइसिस के गेट को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। जब अंडर स्लुइसिस के गेट को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो किश्ती के साथ जो है हम एक बड़ा सा लकड़ी जो है बड़ी सी लकड़ी जो है वो लगा देते हैं और वो उसके अंदर जो है एजिटेट करते हैं, मीन्स के लर्गी लगी दिल और सर ठीक शु कश्ते सारा कश्ते के की नहीं कसान अरे सर लर्गी लगी दिल अगे पत्रू बने चिकम असल्टे अगे के लर्गी वही नगसल चिकम ने बबर शी और वो सारा मिक्स शी ठीक शु दे सुमरा दा पोर्शन ने दे के दा दा कई सही शु जिकल गेट्स को लाउ शी ठीक शु द अंडर स्लुसिस नगे पत्रू बने अगे के पटोरी उपज कम ने खड़ी शी भी जो सुमरा सेल्टी अगे पत्रू बने अगे सर उसी क्लियर शो मोहम्मद बिलाल। अयाज अली हेडवर्क ऑलरेडी हमने जो है पढ़ लिया है, ठीक है, प्रीवियस जो आपके पास जो स्लाइड्स हैं वो पढ़ लें आप। अच्छा फिश लेडर आसिफ का क्वेश्चन है, मोहम्मद आसिफ का, फिश लेडर को दोबारा एक्सप्लेन करें तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर। फिश लेडर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, किनाल हेड में सॉरी डायवर्जन हेडवर्क में, ठीक है, और इनका जो फंक्शन है वो ये है कि हमारे पास जो रिवर्स के अंदर जो फिश है वो जो है मूव करती है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर, ठीक है। तो जब हम डायवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो फिशेस की मूवमेंट है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इन फिशेस को मूवमेंट देने के लिए, फ्री मूवमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, फिश लेडर जो है इंस्टॉल करते हैं। फिश लेडर चिकम दे अगर ये जो है उसका डायग्राम है, लेआउट है, अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह के वॉल लगे होते हैं, इन वॉल्स को कहते हैं फेबल वॉल्स, ठीक है। इस डायरेक्शन से वाटर फ्लो करता है और इनके साथ जब स्ट्राइक करता है नॉर्मली जो है रिवर वाटर की वेलोसिटी जो है ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो जब यहाँ पर इनके साथ स्ट्राइक करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर उनकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है जब ये बहुत तो फिशेस जो है इजीली जो है यहाँ से एक साइड से अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है चली जाती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है ज्यादा हो तो फिशेस की जो है जो फिशेस की मूवमेंट है जो है उसे जो है वो मर सकते हैं, अगर उनके आपके पास जो है वाटर की वेलोसिटी जो है अगर वो, इसलिए जो है हम फिश लेडर इंस्टॉल कर दें ताकि हम जो है वाटर की वेलोसिटी को कम कर सके ताकि जो है फिश इजीली जो है एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जो है चले जाए, क्लियर है। अच्छा हिदायतुल्लाह का क्वेश्चन है, तरबेला डैम मैक्सिमम 70% फुल है डिफरेंट मटेरियल से सर, एंड अदर वाटर मोर देन वाटर लेवल से लाभ आता है, इसका क्या वजह है? तो वही बात है ना कि आप जब डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, या वियर कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, तो आप जब वो कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, तो वाटर के अंदर जो सिल्ट वगैरह तो वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने जो है उसको जो है रिमूव करना होता है, ठीक है। तो डायवर्जन हेडवर्क के केस में जो है चूंकि रिवर्स के ऊपर लगाया जाता है और स्मॉल स्केल के ऊपर होता है, ठीक है, तो इनके लिए जो है अंडर स्लुइसेस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनके थ्रू जो है पानी को जो है एजिटेट किया जाता है और उनके थ्रू अंडर स्लुइसेस के थ्रू जो है सिल्ट को रिमूव किया जाता है, जबकि डैम्स के लिए दूसरा प्रोसेस है और वो जो है हम आगे जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डैम के टॉपिक्स में, अगर इंशाल्लाह आखिरी जो आपका टॉपिक होगा वो डैम्स के वहाँ पर जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं भी बढ़ लूँगा, ठीक है, कि डैम्स से किस तरह जो है आपने जो है अगर आपके पास सिल्ट जमा हो जाए तो उसका किस तरह जो है रिमूव करते हो, ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जो है आज के लेक्चर के हवाले से तो काइंडली वो जो है पूछ सकता है, काइंडली पूछे क्वेश्चन। अगर सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो काइंडली जो है वन बाय वन जो है आप जो है
लीव कर ले ब्रो, हिरातुल्ला सिल्ट नरम मिट्टी जी वही अगर पुख्तों के वक्त जो शगा वही या लिहा अगे तक कम दे अगे तो इंग्लिश के सिल्ट वही सही शो क्लियर है सबको, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन नहीं तो काइंडली जो है वन बाय वन जो है लीव कर ले, क्लास जो है खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, आपकी क्लास जो है यहाँ पे खत्म हो गई। जब भी आपकी अटेंडेंस जो है लग चुकी है। अटेंडेंस ठीक है, मैं जो है लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है वो मैं रहीम को जो है ईमेल कर दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर लेगा। ठीक है काइंडली जो है मीटिंग आप लीव कर ले ताकि जो है मैं रिकॉर्डिंग को जो है एंड कर सकूं, ठीक है, और सेव कर सकूं। काइंडली लीव वन बाय वन।